एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जी एल चौधरी आज के इस से सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं जुड़े विद्यार्थियों में राजेंद्र चौधरी राम राम जी राकेश रजिल कुमार जी महावीर जी जगदीप ए के स्टूडेंट आरवी गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग बेटा सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन और आभार है आज के इस से हम देखते हैं आपके सब्जियों की खेती को लेकर के यानी कि अब आपके इसको कह सकते हैं वेजिटेबल्स शुरू हो गई है तो आराम से पढ़िएगा और आराम से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा यह ध्यान रखना है आपको ठीक है तो एक बार क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा फिर चर्चा करते हैं आज के इस सेशन की, से की। बताइएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है टमाटर का उत्पत्ति स्थल है द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ टोमेटो अमेरिका पश्चिम एशिया चीन या भारत तो देखिएगा सब्जियों में भारत की बात करें तो ब्रिंजल जिसको कह सकते उसका उत्पत्ति स्थल आपको भारत दिख जाएगा ठीक है चीन में जिसको कह सकते हैं आपको सोयाबीन को दिखाई देगा और साउथ वेस्ट एशिया में आपको गेहूं और चना दिखाई दे देगा तो यहां पर अमेरिका बिल्कुल सही है टमाटर का उत्पत्ति स्थल ये ध्यान रखना यहां पर अगर ये होता दक्षिण अमेरिका होता या इससे भी अच्छा होता ट्रॉपिकल अमेरिका ठीक है यहां पर क्या होता ट्रॉपिकल अमेरिका ट्रॉपिकल अमेरिका या यहां पर होता आपके मैक्सिको ठीक है तो उत्पत्ति स्थल आपको लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटस जिसको कह सकते हैं ठीक है तो आपके टोमेटो का बोटनिकल नाम क्या है ए इसका आपके जिसको कह सकते हैं आपके फेमेली आपके सॉरी जिसका उत्पत्ति स्थल कह सकते हैं किस फैमिली का है सोलेनेसी फेमेली का है और सोलेनेसी एक सब्जियों में बड़ी फेमेली है ये ध्यान रखना है आपको ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है टमाटर में कौन सा विशेला तत्व पाया जाता है विच पॉइजनस एलिमेंट इज फाउंड इन टोमेटो सल्फोनियम टोमेटिन लाइकोपिन या उपरोक्त सभी। तो टमाटर में कौन सा तत्व पाया जाता? ये बताना है आपको। यहां देखिएगा लाइकोपिन इसकी वजह से क्या होता है लाइकोपिन की वजह से टमाटर का लाल रंग होता है यह ध्यान रखना क्या होता है लाल रंग होता है और आपको यह ध्यान रखना है बेस्ट लाइकोपिन जिसको कह सकते हैं ठीक है अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट लाइकोपिन तो बेस्ट लाइकोपिन अगर आप देखेंगे तो 22 टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड या 21 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहां पर जो टोमेटो में जो पाया जाने वाला जो टॉक्सिक इफेक्ट है टॉक्सिक जो तत्व वो होता है टोमेटीन कौन सा होता है टोमेटीन ये ध्यान रखना है आपको ठीक है तो यहां पर बीस का राइट आंसर है अगला सवाल सामान्यतः टमाटर के फलों में टीएसएस की मात्रा कितनी होती है टीएसएस टोटल सोलूबल साल टीएसएस को बताने के लिए रिफ्रेक्टोमीटर ठीक है रिफ्रेक्टोमीटर क्या करता है टीएसएस को इंडिकेट करता है तो सामान्यतः टमाटर के फलों में टीएसएस की मात्रा कितनी होती है जर्नली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीएसएस इन टोमेटो टेन टू फिफ्टीन फोर टू सिक्स टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट तो यहां पर क्या बताना है हा बिल्कुल जी उमा जी ठीक है यहाँ पर आपको बताना है कि आपके टीएसएस की मात्रा कितनी होती है तो चार से लेकर के छह परसेंट की मात्रा क्या होती है टोमेटो में टीएसएस की पाई जाती है ये ध्यान रखना है आपको अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है टमाटर के पुष्पों का गुच्छा क्या कहलाता है यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ टोमेटो क्या कहलाता है ये ध्यान रखना है आपको वाट इज द बंच ऑफ टोमेटो फ्लोवर इज कॉल्ड पेनिकल पेनिकल नहीं होता हाइपेंथोडियम हाइपेंथोडियम नहीं होता स्पेडिक्स आपके नहीं है क्या कहलाता ट्रस कहलाता है ये क्वेश्चन हमने कल भी चेक किया था ये ध्यान रखना इस प्रकार का ठीक है ट्रस इंफ्लुएंस क्या होता है इसका ट्रस आपको दिखाई देगा ये ध्यान रखना आपको अगला सवाल टमाटर की फसल के लिए अंकुरण हेतु मुख्यतः तापमान की आवश्यकता हो होती है और कैसा तापमान ऑप्टिमम टेम्परेचर पूछ रहा है ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो यहां देखिएगा मेनली द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ टोमेटो क्रॉप शुड ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी और दस से पंद्रह क्या है ठीक है तो यहां पर अंकुरण के लिए तापमान कितना है आपको यह बताना है जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर बताना है क्या होगा तो लगभग 21 से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपके पास टमाटर के लिए क्या होना चाहिए तापमान होना चाहिए यह ध्यान रखना आपको ठीक है हमने नौ चैप्टर पहले चेक कर चुके और ये दसवां चैप्टर है सब्जियों का अब आपके शुरू हो चुका है ठीक है ये ध्यान रखना आपको चले आगे अगला देखो यहां पर निम्नलिखित में से किस तापमान पर टमाटर में लाइकोपिन का निर्माण अच्छा होता है एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज गुड फॉर्मेशन ऑफ लाइकोपिन इन टोमेटो तो बताइएगा अब लाइकोपिन जो होता है वो क्या है टमाटर का लाल रंग भाई लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से लाइकोपिन की वजह से और बेस्ट लाइकोपिन कब बनता है तो बेस्ट लाइकोपिन 30 से 35, 25 से 30, 20 से 25, 15 से 20 तो बेस्ट लाइकोपिन 20 से 25 बनता है एग्जेक्ट फिगर पूछे तो 21 से 24 डिग्री सेल्सियस आपके सेंटीग्रेड 27 के बाद में आपके धीमा हो जाएगा ये ध्यान रखना आपको 27 तक आपके क्या हो जाएगा धीमे हो जाएगा 27 के बाद में तो सत्ताईस डिग्री पर क्या हो जाएगा धीमा और जैसे ही तीस डिग्री या इससे तीस डिग्री से ऊपर पहुंचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर लाइकोपिन बनना बंद और टमाटर कैसे रह जाएंगे हरे रह जाएंगे ये ध्यान रखना आपको टोमेटो कैसे रह जाएंगे हरे ग्रीन रह जाएंगे ये ध्यान रखना आपको अगला देखो टमाटर की रोपण तैयार करने के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए वाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ शूटेबल सीड्स फॉर प्रिपेयरिंग टोमेटो सीडलिंग्स आपसे टमाटर की नर्सरी पूछ ले उसके लिए बीज दर या आपसे पूछ ले कि टमाटर की, की बीज दर कितनी होती है बताना है ठीक है यह हमें ध्यान रखना है आपको तो डेढ़ सौ से दो सौ ग्राम चार सौ से पांच सौ ग्राम दो सौ से चार सौ या पांच सौ से हजार ग्राम तो सीधी टमाटर के लिए नर्सरी पूछे तो कितनी बताओगे आपको बताना जिसको कह सकते आधा किलो के आसपास है, ठीक अगर आपसे पूछे कि सीधी टमाटर तो की नर्सरी तो टमाटर की नर्सरी पूछे तो कितनी आधा किलो और अगर आपको यह देख करके पूछ ले कि संकर नर, संकर बीज के लिए हाइब्रिड बीज के लिए तो आधी कर देना पाव भर ठीक है फिर आधी कर देना पाव भर हाइब्रिड के लिए यह ध्यान रखना आपको नमस्ते राजू गोटन जी नमस्ते ठीक है तो ये ध्यान रखना आपको क्या है 400 से 500 ग्राम तो यहां पर जर्नल सीड डेट पूछी है शंकर हाइब्रिड की नहीं पूछी ये ध्यान रखना आपको ठीक है लेटराइजेशन वर्ड आपके लेटराइजेशन वर्ड लेटराइट और लय से लेटिन लैंग्वेज का है ये ध्यान रखना आपको और लेटराइट वर्ड लेटिन भाषा के लेटर से बना होता जिसका अर्थ होता है ब्रिक एकदम लाल रंग ये ध्यान रखना आपको ठीक है ये ध्यान रखना आपको तो यहां पर 400 से 500 ग्राम हाइब्रिड का नाम आते पाव भर ठीक है पाव भर का मतलब 200 सौ ढाई सौ दो डिपेंड करता है ऑप्शन पर फिर वो निम्नलिखित में से टमाटर की किस्म नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैरायटी ऑफ टोमेटो पूसा रूबी पूा रूबी टमाटर की सबसे बेस्ट की समय रखना सबसे बेस्ट वेराइटी टमाटर की ठीक है पंजाब छुआरा तो पंजाब छुआरा इसकी निर्यातक वेराइटी आपके ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि खराब कम होती है यह ध्यान रखना आपको तो पंजाब छुआरा क्या है पंजाब छुआरा और इसके साथ आपके तो ध्यान रखना यह क्या है निर्यातक परिवहन के लिए उपयुक्त है ठीक है जैसे एक की बायोटेक्नोलॉजी से और विकसित है बायोटेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी से इसकी एक वैरायटी और डेवलप है बायोटेक्नोलॉजी से ठीक है पंजाब छुआरा यह तो निर्यातक है ठीक है आपने फ्लेवर सेवर का नाम सुना होगा फ्लेवर सेवर तो यह फ्लेवर सेवर इसकी बायोटेक्नोलॉजी से विकसित किस्म है और ये भी परिवहन के लिए उपयुक्त ये ध्यान रखना लता बेल वाली किस्म है ठीक है अंगूर लता क्या है बेल वाली अंगूर लता इसकी क्या है बेल वाली किस्म है पंजाब केसरी और पंजाब स्वीट ये पंजाब स्वीट किसकी है पपीते की वैरायटी दिखाई देगी पंजाब स्वीट और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पंजाब स्वीट किसकी वैरायटी है तो पपीते की वैरायटी ध्यान रखना आपको फ्लेवर सेवर बायोटेक्नोलॉजी विकसित से है परिवहन के लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है ठीक है भाई चले सुरेंद्र कुमार सुमन क्या पूछ रहे हैं एक बार थोड़ा सा दिखाना थोड़ा सा ऊपर करो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा नीचे भी। और ऊपर करो कौन से रसायन का उपयोग क्षार्य भूमि को सुधारने में किया जाता है तो जिसमें अम्ल दिखाई दे उसका प्रयोग कर लो सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट का नहीं होगा क्योंकि यहां तो सोडियम है सी में कैल्शियम सल्फेट यहां भी सल्फेट है पोटेशियम सल्फेट में भी सल्फेट है और बीच में कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग क्षार्य मर्दाओं को सुधारने में किया जाता है यह ध्यान रखना आपको ठीक है इसका हमें ध्यान रखना आपको अगला देखिएगा टमाटर का मुख्य कीट है टोमेटो सफेद मक्खी फ्रूट बोरर या कट में से कोई नहीं तो आपके हिली कवर पा आर्मी जरा जो होता है ना जिसको हम लट बोलते हैं वही लट आपके टमाटर में पाई जाती है पंजाब लाल और पंजाब खुर्क पंजाब सुर्ख होगी वो खुर्क नहीं पंजाब शुर्क जो मिर्च की आप बता रहे हो राकेश जी ठीक है लग जाएगी आपके तो ये ध्यान रखना फ्रूट बोरर ठीक है तो इसमें क्या होता है आपके कीड़ा जिसको कह सकते हैं इंसेक्ट ये आपको ध्यान रखना बी तो ये टमाटर का मुख्य कीट वही है को कहते। निम्नलिखित में से कौन सी पुष्पन क्रिया टमाटर के फसल में की जाती है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोवरिंग प्रोसेस इज परफॉर्म दरोविंग निपिंग स्टेकिंग या रेटूनिंग कौन सी क्रिया इनमें से टमाटर में की जाती है आपको यह बताना है गाजर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से ठीक है अगर लाइकोपिन ऑप्शन में हो तो लाइकोपिन एंतोसाइन की वजह से क्या होता है आपके रंग काला होता गाजर का डार्क बैंगनी ठीक है यहां देखो तो एरोइंग तो एरोइंग तो गन्ने में है निपिंग चने में है रेटूनिंग शब्द गन्ने में यूज होता है रेटूनिंग शब्द घास में यूज होता है रेटूनिंग शब्द बैंगन में यूज होता है टमाटर की फसल को सहारा देने के लिए जैसे ये टमाटर का पौधा है इसको सहारा देने के लिए इसके साथ में जो डंडी लगाई जाती है उसको कहते हैं स्टेकिंग ठीक है बिल्कुल रजील जी एकदम सही आंसर स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा देना ठीक है तो स्टेकिंग जिसको कह सकते बिल्कुल सही आंसर है गन्ना चना चने में अच्छा गन्ना चना स्टेकिंग टमाटर में ये ध्यान रखना आपको हाँ मिलन जी म, मैंगो का उत्पादन बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा वर्तमान में ठीक है वर्तमान में ये ध्यान रखना आपको ठीक है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है तो यहां पर जिसको कह सकते हैं आपके कोर्स का नहीं आपके एम सी क्यू जिसको कह सकते हैं आपके लिए काम का है अभी तो एम सी क्यू के माध्यम से आप और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप टेस्ट जरूर देना चाहिए ताकि आप अपने आप को जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें अपने आप को देख सके कि आप कहाँ खड़े हैं ये आपके एक पुस्तक जिसको कह सकते हैं हॉर्टिकल्चर की बुक है एम सी क्यू की बुक है और आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी पिछले दो अक्टूबर से जिसको कह सकते हैं ये आपके उत्कर्ष के बुकशाला पर उपलब्ध है और आपके अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं और जो विद्यार्थी जैसे आपके अगर कहा जाए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तो है ही है अभी हाल ही में जेट जेट की तैयारी करना चाहता हो सीयूटी की तैयारी करना चाहता हो आपके जिसको कह सकते हैं ये अभी जो सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर है उसमें रामबाण होगी इसी प्रकार जैसे बिहार में जो वैकेंसी आई है। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर ध्यान रखना ये बिहार में जो विद्यार्थी पशु परिचय की पुस्तक है डॉक्टर लक्ष्मण सिंह सर की पुस्तक है बुकशाला पर आपको अवेलेबल होगी और पशु परिचर में आपके क्षमा बांधेगी बुक जिसको कह सकते हैं ठीक है तो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो ठीक है थोड़ा सा नीचे करना अच्छा एक बार वो थोड़ा नीचे बस ठीक है नहीं ठीक है आपके पशु परिचर के जिसको कह सकते कोर्स आपके जयपुर जोधपुर और खजाना बैच जिसको कह सकते आपको दिखाई देंगे खजाना बैच आपको 3300 का जिसमें दोनों की एक्सेस मिल जाएगी ये आपका सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर जिसको कह सकते महत्वपूर्ण कोर्स और महत्वपूर्ण बेच 25 जनवरी से शुरू हो रहा है तो जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर से बीएससी है ठीक है और जो विद्यार्थी बोटनी के साथ ठीक है बोटनी के साथ क्या है बीएससी एस साइंस से यह ध्यान रखना है आपको अगला देखिएगा यहां पर संतरे का अनुसंधान वहीं पर है जहां नींबू वर्गीय कहा उदय सिंह जी पूछ रहे हैं तो ठीक है धन्यवाद मिलन जी आइएगा टमाटर की रूट नेमेटोड की प्रतिरोधी किस्म कौन सी है अब समस्या समस्या टमाटर में बहुत महत्वपूर्ण तो रूट नोट ध्यान रखना आपको राजस्थान का अनाज का कटोरा तो राजस्थान में अनाज का कटोरा गंगानगर को कहते हैं ठीक है हाँ बिल्कुल मिलेगी राज राम जन्म कुमार बिल्कुल मिलेगी उम्र में छूट अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो बिल्कुल छूट मिलेगी विच वेराइटी टू रूट टू टोमेटो पूसा रोबी पूसा रेड प्लम सिलेक्शन 120 और पूसा दिव्या तो पूसा दिव्या ध्यान रखना इसकी क्या है हाइब्रिड वेराइटी है ध्यान रखना आपको ठीक है अरे भाई मैंने तो मेरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कंप्लीटली कोर्स कंप्लीट करवा दिया एनिमल अटेंडेंट में जिसको कह सकते कुछ पार्ट है जब क्लास आएगी तो वो करवा देंगे ठीक है बाकी एनिमल अटेंडेंट का लक्ष्मण सर देख रहे हैं तो वो आप एक बार उनसे बात करना कोर्स का तो ठीक है तो यहाँ पर पूसा दिव्या ये थी उसकी क्या है हाइब्रिड वेरायटी और यहाँ पर क्या है रूट नोट नेमेटोड ध्यान रखना सिलेक्शन एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेक्शन एक किसकी वेरायटी है तो ये ध्यान रखना सिलेक्शन 120 किसकी है टोमेटो की रूट नोट से रेसिस्टेंट वैरायटी ध्यान रखना आपको ठीक है अगला देखो टमाटर में परागकणों द्वारा अंकुण किस तापमान पर बहुत कम हो जाता है एट वाट टेम्परेचर डज नॉट जर्मिनेशन बाई पोलन ग्रेन ग्रेटली रिड्यूस इन टोमेटो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि टमाटर में जो पोलन है टमाटर में जो पोलंस है वो किस टेम्परेचर पर आपके क्या हो जाते हैं डीएक्टिवेट हो जाते हैं और फ्रूट के निर्माण में असमर्थ है ठीक है 16 डिग्री से कम होने पर 38 डिग्री से ज्यादा होने पर 40 से 45 डिग्री से ज्यादा होने पर अगर ध्यान रखना 16 डिग्री से कम हुआ तापमान तो भी नेगेटिव है और 38 से ज्यादा हुआ तो भी नेगेटिव है ये ध्यान रखना आपके टमाटर में तो सोलह से कम होने पर और अड़तीस से ज्यादा होने पर टमाटर के पोलिनेशन में आपके समस्या होगी और फ्लॉवरिंग की समस्या आपको देखने को मिलेगी फ्रूट नहीं बनेगा ये ध्यान रखना आपको बिल्कुल खुशबू बेडी जी बेटा आप बिल्कुल आपके बताए ना कोर्स के बारे में कि 25 जनवरी से कोर्स शुरू हो रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या आपके सेक्शन ऑफिसर का एसओ हॉर्टिकल्चर ठीक है तो एसओ हॉर्टिकल्चर कब से शुरू हो रहा है 25 जनवरी है, दो हजार चौबीस से शुरू होती डी इसका राइट आंसर है ठीक है अगला सवाल टमाटर में अनिर्धारित वर्दी वाली किस्मों को सहायता देने के लिए छड़िया लगाकर बांध देना क्या कहलाता है क्वेश्चन आपको यह बताना है वाट इज टाइंग ए स्टिक टू सपोर्ट इनडिटर्मिनेट ग्रोइंग वेराइटीज ऑफ टोमेटो आपको यहां पर यह बताना है जोधपुर में केंद्रीय मरु क्षेत्र आपके जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी ठीक है पीलू एक फ्लो आपका फ्रूट है पस, जिसको कह सकते हैं डेजर्ट में छोटे छोटे आपके जिसको कह सकते हैं हल्के से पीले लाल रंग के दिखाई देंगे टॉपिंग तो टॉपिंग तो, टोबेको टौबे, में की जाती है प्रोपिंग का मतलब सहारा नीपिंग और स्टेकिंग तो टमाटर में ए निर्धारित अनडिटर्मिनेट ग्रोथ वाले जैसे पूसा रिबू आपके पूसा रूबी जिसको कह सकते हैं अनडिटर्मिनेट टाइप में विशिष्ट रूप से अंगूर लता ये ध्यान रखना आपको ठीक है अंगूर लता ठीक है अंगूर लता तो यहां पर क्या की जाती है स्टेकिंग नीपिंग चने में की जाती है ठीक है हड्डी ए और बी दोनों ठीक है तो 38 से ज्यादा होने पर तो 40 और 45 तो अपने आप ही अड़तीस से ज्यादा है ठीक है उदय सिंह इस पर कोई बात नहीं कर सकते जब तक ऑफिशियली नहीं होता तो हम नहीं बात करते इस का मतलब काट छाट नहीं होता है ठीक है अरे भाई क्वेश्चन बारह में ओल, आओ लो। ओल में ऑप्शन ही नहीं है मैं बोलूं कि 38 से ज्यादा तो अड़तीस से ज्यादा तो चालीस और पैंतालीस भी अड़तीस से ज्यादा ही है तो ये अपने आप ही इंक्लूड हो गए इसमें ठीक है ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो यहां पर देखो टमाटर की कौन सी किस्म सूत्रकर्मी प्रतिरोधी है, है नेमेटोड एक तो अभी देखा सिलेक्शन 120 ठीक है आपने देखा सिलेक्शन 120 हिसार लालिमा हिसार अरुणिका हिसार ललित और पूसा दिव्या नेमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी आपको बताने की इनमें से कौन सी रेसिस्टेंट वैरायटी है ऐसे 120 हम देख चुके और इनमें से बतानी है हिसार लालिमा हिसार अरुणिका हिसार ललित और पूसा दिव्या पूसा दिव्या की बात कर ही चुके अब अगर हम यहां पर देखें तो हिसार ललित जो इसकी वैरायटी है ये हिसार ललित तो जो वेराइटी है क्या है नेमेटोड के प्रति रेसिस्टेंट है इसमें नेमेटोड नहीं लगते ध्यान रखना आपको और नेमेटोड से बचाव के लिए टमाटर के खेत में क्या करते हैं तो टमाटर के खेत में गेंदे की खेती की जाती है चलो बताओ राजस्थान में सर्वाधिक टमाटर का उत्पादन राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक टमाटर का उत्पादन ठीक है बिल्कुल बेटा कुलदीप जी नर्मदा जी बेटा कौन सा कोर्स नहीं हुआ जयपुर वाले बेच में क्या रह गया बताओ जयपुर वाले में सारा रह गया ना सब कंप्लीट हो गया ना बेटा एक मसाले वाली क्रॉप्स थी तो मसाले वाली क्रॉप्स के लिए बता दिया था ना कि आपको करवा देंगे निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म अनिर्धारित वर्दी वाली है विच ऑफ द फॉलोइंग टोमेटो वेराइटीज हैज इनडिटर्मिनेट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है आपको बताना है कि कौन सी इनमें से वेराइटी इनडिटर्मिनेट वाली ठीक है पूसा गौरव पूसा रोहिणी पूसा शीतल पूसा शीतल ध्यान रखना नाम से ही शीतल है ये ध्यान रखना आपको डिनेवलिंग आपके केले में की जाती है ये ध्यान रखना आपको जयपुर क्षेत्रफल और उत्पादन में दोनों में बिल्कुल पहले स्थान पर है और जयपुर में भी जो बस्सी वाला क्षेत्र है ना वो विशेष रूप से ऐप में करवाएंगे भैया ना वो तो यहाँ पर अनडिटर्मिनेट कौन सी है रूबी जिसको कह सकते हैं इसकी बहुत बेस्ट वैरायटी है वैरायटी शीतल क्या है तो ये आठ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी क्या करती है सरवाइव करती है ध्यान ठंडी जलवायु के लिए अनुकूल है ये किसके लिए ठंडी जलवायु के लिए ठीक है तो इसका राइट आंसर डी है ये ध्यान रखना आपको बिल्कुल आपका शीतल नाम से ही पता लग रहा है शीतल ध्यान रखना आपको अगला देखो टमाटर में आर -E ब्लॉसम एंड रोट रोग किस पोषक तत्व की, की कमी से होता है बेर ब्लॉसम एंड रोट डिजीज इन टोमेटो इज कोज बाय द डेफिशिय न्यूट्रिएंट अब देखिएगा बेर जो होता है इसमें क्या होता है नीचे का धब्बा जो होता है वो क्या होता है आपके काला पड़ जाता है ध्यान रखना आपको ठीक है नीचे का जो धब्बा होता है वो क्या हो जाता है काला हो जाता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो बोरोन की वजह से क्या होता है बोरोन की अगर कमी हो गई तो टमाटर में क्या हो जाता है फलों का फटना बोरोन की कमी से टमाटर में फलों का फटना मोली का टमाटर के साथ कोई विशेष रोल नहीं है कैल्शियम की वजह से टमाटर में क्या होती है बे आर बेर और इसी कैल्शियम की वजह से जैसे आपके अंगूर जो होता है ना इस अंगूर में कैलेक्स एंड रोट लुक लाइक बेर अंगूर में क्या होता है इसकी कमी से मिलारेंडेज आपको दिखाई दे देगा ठीक है ये मिलारेंडेज तो बोरोन की वजह से है ना तो कैलेक्स एंड रोट ये ध्यान रखना आपको आगे देखिएगा गाजर में क्या हो जाता है स्पॉट गाजर में तो गाजर में आपको केविटी स्पॉट इसी कैल्सियम की वजह से दिखाई देती है ध्यान रखना आपको ठीक है तो यह ध्यान रखना आपको जिंक में जैसे आपके व्हाइट बर्ड इन मेज ठीक है तो वाइट बर्ड इन मेज तो यह आपको दिखाई देगा तो सीज का राइट right आंसर कर लेना ये ध्यान रखना अर्का रक्षक टमाटर की है ना ठीक है ट्रिपल रेसिस्टेंट है लिखिएगा टमाटर के सॉस और केचप का परिरक्षण किसके द्वारा करते हैं व्हाट इज यूज टू प्रिजर्व टोमेटो सॉस एंड टोमेटो केचप आपको बताना है ठीक है आपको ये बताना है तो देखिएगा पोटेशियम मेटाबाइ सल्फाइट पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइट पोटेशियम परमैग्नेट और नमक और सोडियम बेंजोइट देखिएगा टमाटर का सॉस कैसा होगा तो जो रंगीन फ्रूट है उसमें पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का तो प्रयोग करते ही नहीं है हम तो ये ध्यान रखना रंगीन फलों में क्या नहीं करते तो रंगीन फलों में हम केएमएस का क्या नहीं करते के का प्रयोग नहीं करते पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का तो पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड का प्रयोग नहीं करते और पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड में सल्फेट जो SO2 जो गैस होती है वो प्रिजर्वेशन का कार्य करती है पोटेशियम परमैंगनेट इसका प्रयोग आप नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए कर सकते हैं ठीक है N का पता लगाने के लिए नमक NaCl और सोडियम बेंजोएट और बेंजोएट सोडियम बेंजोएट में बेंजोइक जो अम्ल होता है ये क्या करता है बेंजोइक जो अम्ल होता है ये परिरक्षण का कार्य करता है और ये एक हल्का परिरक्षक है जिसको कह सकते हैं 600 से लेकर के हजार ppm तक आपको दिखाई देगा दस हजार का भाग दे देना बेटा इसमें तो यहाँ पर दो से दो कट जाएंगे और यहां पर लगा देना जिसको कह सकते हैं दो के पीछे 0.06 से लेकर के 0.1 ppm ये ppm की जगह परसेंटेज कर लेना है ना परसेंटेज ठीक है ये साल्ट आपको काम में पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइट एक हल्का परिरक्षक है इसका प्रयोग सामान्यतया इन जर्नली ढाई सौ से तीन सौ पीपीएम होता है और बिलो सिक्स हंड्रेड तक ये ध्यान रखना आपको तो बिल्कुल बेटा आप लोगों ने जो डी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है <coughs> अगला देखो टमाटर की फसल का मुख्य रोग कौन सा है विच इज द मेन डिजीज ऑफ टोमेटो लीफ कर्ड मोजेक लिटिल लीफ और येलो लीफ कर्ड इनमें से बताना टमाटर में कौन सा है ज्यादातर ढाई सौ से तीन सौ बी ए ओ, इसके बारे में आपको कल YouTube पर पूरी डिटेल मिल जाएगी आपके ठीक है तो यहां देखो टमाटर की फसल का मुख्य रोग अब देखो मोजेक टमाटर में नहीं होता तो वायरस की वजह से ही है मोजेक लेकिन मोजेक क्या होता है दलहनी फसलों में होता ठीक है किस में होता है मोजेक दलहनी फसलों में होता है ध्यान रखना आपको लिटिल लीव जिसको कह सकते हैं आपके जैसे लिटिल लीफ कपास में होती है लिटिल लीप आपके इसमें इसी की फैमिली है ब्रिंजल बैंगन ठीक है माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है बैंगन में लिटिल लीफ और येलो लीफ कर्ल नहीं है तो यहां पर लीफ कल जो होता है वो किसकी वजह से होता है होता तो वायरस की वजह से और वाहक जिसको कह सकते इसको ले जाने वाला कौन होता है ठीक है भाई अकेला थोड़ी चला जाएगा ये ये अकेला नहीं जाएगा ये ध्यान रखना आपको एमसीक्यू इज बेटर देन सुरेश जी साहू एमसीक्यू इज बेटर देन भाई लीव कल वायरस की वजह से होता है लेकिन अकेला थोड़ी चला जाएगा इसको कोई तो चाहिए कोई गाड़ी चाहिए इसको ये ध्यान रखना ठीक है कोई गाड़ी चाहिए बैठने के लिए अब गाड़ी कौन है तो एक छोटा सा इंसेक्ट है कपास में उसका प्रभाव आपने बहुत ज्यादा देखने को मिलता है ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो यहां पर क्या दिखाई देगा एक बमेसिया टेबेकाई तो इसका वाहक जो होता है ना वाहक वो कौन है वो है वाहक में बमेशिया टेबेकाई ठीक है तो यहां पर ये ध्यान रखना आपको इसमें पत्तियां क्या होती है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मूल्ड जाती है माथा बंद जाता है इसे माथा बंधना ठीक है इसे क्या कह देते टमाटर का माथा बंधना बैंगन का उत्पत्ति स्थल है एशिया यूरोप चीन और भारत ठीक है तो बैंगन का उत्पत्ति स्थल कौन है पारदर्शी पदार्थ तो पारदर्शी तभी होगा जब वो रंगहीन होगा राजस्थानी ठीक है राम राम खाटू श्याम जी से भाई ठीक है तो ये ध्यान रखना द प्लेस ऑफ ओर इज ब्रिंजल एशिया यूरोप चीन तो आपकी बेंगन का उत्पत्ति स्थल आपको भारत ही देखने को मिलेगा सोलेनम मेले जिसे कह देते हैं ध्यान रखना आपको ठीक है सोलेनम मेलोजना उत्पत्ति स्थल भारत है अगला देखो डायबिटीज और शुगर पीड़ितों के लिए किस रंग के बैंगन सर्वोत्तम माने जाते हैं? आपके सफर्स जो डायबिटीज के हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, उनके लिए बैंगन जो खाया जाता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है इसमें आपके आयरन जो होता है ध्यान रखना बैंगन के इस्तेमाल से बैंगन के इस्तेमाल से आपके गलकंड जो रोग होता है उससे छूट मिलती है गोइटियर से ठीक है गोइटियर से क्यों क्योंकि इसमें फेरस होता है दूसरी तरफ लगातार अगर आप गोभी वर्गीय सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके गोइटियर गलकंड रोग हो सकता है ध्यान रखना आपको ठीक है जैसे ब्रेसिकेश फैमिली जो होती है आपके ठीक है ब्रेसिकेश इसके प्रयोग करने से गलकंड रोग आपको देखने को मिल सकता है तो ग्रीन कलर ब्लैक कलर वाइट कलर या सभी तो व्हाइट कलर के जो ब्रिंजल्स होते हैं वो हमारे जिसको कह सकते हैं शुगर पेशेंट्स के लिए आपके इसको कह सकते हैं क्या है फायदेमंद माने जाते हैं ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना है बैंगन के फलों में कड़वाहट का प्रमुख कारण क्या है द मेन रीजन फॉर बिटनेस इज ब्रिंजल तो आपके जो रेटूनिंग जो गन आपके रेटूनिंग जो ब्रिंजल होता है उसमें एल्कोलॉइड बढ़ जाता है एल्कोलाइड कौन सा बढ़ जाता है ये बताना है। राम राम जी, डिग्गी धरती से आप यहां पर जुड़े हैं स्वागत है आपका सर जी गुलाबी पास में होती है ना होती है ना उसी से बचाने के लिए बीटी कॉटन का विकास किया गया है ठीक है तो यहां पर देखो सोलोसोडाइन एंथोसाइनिन टोमेटिन तो टोमेटिन विशिला पिगमेंट है जो तो टमाटर में पाया जाता है अब आपसे अगर ये पूछ ले एंथोसाइनिन तो ध्यान रखना बैंगन का बैंगनी रंग जो होता है ठीक है जिस प्रकार टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है उसी प्रकार बैंगन का बैंगनी रंग तो किसकी वजह से होता है एंथोसाइनिन की वजह से और टॉक्सिक कड़वापन किसकी वजह से सोलोसोडाइन जो कि आपके किस में देखने को मिलेगा सोलेनम मेलेंजना ये ध्यान रखना आपको ठीक है बीटी कोटन के लिए एक के जी गणु बीज ठीक है सोलोसोडाइन ए राम राम कुलदीप जी अगला देखो दिस दीप्ति कालिता के आधार पर बैंगन का पौधा है द बेसिस ऑफ फोटोट्रोपिज्म, ठीक है यहां पर फोटोट्रोपिज्म प्लांट्स, लघु प्रकाशापेक्षी दीर्घ प्रकाशापेक्षी दिवस निष्प्रभावी तो यहां देखो आपके जैसे टमाटर है मिर्च है बैंगन है ये सारे के सारे क्या हैं? दिवस निष्प्रभावी, प्रभावी ठीक है डे न्यूट्रल प्लांट्स आपको दिखाई देंगे ठीक है तो यहां पर सी का राइट आंसर है ये ध्यान रखना आपको ठीक है डी का राइट आंसर अरे आप नाम का माए का ही है ये बताओ तो मन ठीक है नाम में कुछ है कि आदमी नाम सुने आपका गुणा सु पहचान जाना चाहिए नहीं तो नाम तो कई तरीके से आते हैं रोज अखबारों में आते हैं नाम से नहीं हमें अपने कर्मों से पहचाना जाना चाहिए बैंगन की खेती के लिए आदर्श तापमान कितने डिग्री होना चाहिए वाट शुड बी द आइडियल टेम्परेचर फॉर ब्रिंजल कल्टीवेशन बैंगन के लिए तापमान कितना होना चाहिए हमें बताना है आपको बताओ भाई ठीक है लीफ का संग्रहण है जगदीश कुमार जी लीफ का संग्रहण है ऑनियन लीव का संग्रहण तो यहां पर लगभग 13 से इक्कीस डिग्री के आसपास तापमान ब्रिंजल की खेती के लिए शुटेबल माना गया है यह ध्यान रखना आपको ठीक है इक्कीस से वाला किसके लिए टमाटर के लिए आपके पीपीएल पूसा लॉन्ग पूसा क्रांति और अरकासिल किसकी उन्नत किस्में पूसा पर्पल लोंग पूसा पर्पल राउंड पीपीआर देखिएगा जिस प्रकार पूसा पूसा रूबी जिस प्रकार रूबी टमाटर की बहुत फेमस वेराइटी है उसी प्रकार पूसा क्रांति किसकी है बैंगन की उसी प्रकार आजाद क्रांति फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रिंजल को देनी है आपको ठीक है तो टमाटर की तो सभी को पता है किसकी है ब्रिंजल की वैरायटी है ये ध्यान रखना ठीक है बीस का राइट आंसर तो पीपीआर और पीपीआर तो ये आपका बीस का राइट आंसर है अगला देखो बैंगन की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म लंबे फल वाली किस्म नहीं है ठीक है वेरायटी का इतना जरूर बता दूं ये ध्यान रखना आपको वैरायटी का इतना जरूर बता दूं अगर ज्यादा कुछ याद नहीं करना चाहो तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो जरूर देख लेना आपका काम हो जाएगा ठीक है हम जो पढ़ाए ना वो आपको देख लेना है राजस्थान में कपास उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है विच ऑफ द फॉलोइंग दराइटीज ऑफ ब्रेंजल इज नॉट ए लॉन्ग फ्रूट वेरायटी देखो अब इस क्वेश्चन की खास बात एक वेरायटी है टमाटर में ये सॉरी बैंगन में पंत ऋतुराज देखो पंत ऋतु ऋतु और आपको इसका लिंक और बताऊंगा ये पंत ऋतुराज कहां से शुरू होती है एम से एमपीटी से शुरू होती है जोबनेर में जाती है जोबनेर से चली जाती है कोटा और कोटा से आ जाती है कहा जोधपुर इसका मतलब ये वैरायटी हाल ही के दिनों में आयोजित चार बड़ी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया चारों में पंत ऋतुराज और चारों का आंसर एक ही माना गया पंत पंत ऋतुराज अब ध्यान रखना इसकी खास बात पंत सम्राट आजाद क्रांति पूषा क्रांति ठीक है पंत ऋतुराज देखिएगा ऋतुराज ऋतुराज का मतलब क्या है जो ऋतुओं का राजा है ऋतुराज ऋतु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर तो इसका मतलब यह सभी ऋतुओं में ठंडी हो गर्मी हो ठंड हो कैसा ही मौसम हो इसकी खेती आपको देखने को मिलेगी ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो ये ध्यान रखना आपको पंत ऋतुराज क्या है तो पंत ऋतुराज जिसको कह सकते हैं जो ऋतु है सभी ऋतुओं में ठीक है ठीक है तो ये ध्यान रखना सभी ऋतुओं में इसकी खेती है? ये भी खास बात है इसीलिए पूछा जा रहा है आपके ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो यहां पर क्या है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म लंबे फल वाली नहीं है तो लंबे फल वाली नहीं है तो इसका मतलब गोल वाली है तो ये क्या है पंत ऋतुराज गोल वाली है ये ध्यान पीपीआर इसी के अनमोल बैंगन वो भी गोल की ही है ठीक है अब देखो पंत सम्राट इसकी है अर्कार रक्षक पूछा देखो का रक्षक पंत सम्राट अब पंत सम्राट पूछे तो बैंगन की और अर्कार रक्षक पूछे तो टमाटर की यह ट्रिपल रेसिस्टेंट है यह भी रेसिस्टेंट है ठीक है यह ध्यान रखना आपको तो डी इसका राइट आंसर है अगला सवाल बैंगन के पौधों में पी टू पी और पौधे से पौधे की और पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है लंबे फल वाले पौधों के लिए अब हम यहां करवा जरूर रहे लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं ये ध्यान रखना आपको ठीक है ये आपको बताना है तो इन ब्रिंजल प्लांट प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस इज में पर सिक्सटी टू 60 सेंटीमीटर छोड़ देना याद करने की आवश्यकता नहीं है यह ध्यान रखना आपको ठीक है नहीं पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से बैंगन की मुख्य बीमारी कौन सी है डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन डिजीज ऑफ ब्रिंजल फोमोपिस ब्लाइट लिटिल लीफ डैम्पिंग ऑफ और नेमेटोड मुख्य बीमारी आपको बतानी है कि टमाटर की कौन सी है? आपको यह बताना है तो ठीक है अब स्मॉल लीप आपके छोटी पत्ती होती है बैंगन आपके बैंगन में और क्या कहते हैं उसे माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा ऑफ होगी जरूर नर्सरी की बीमारी है नेमेटोड होता है भाई यहां पर जो मुख्य बीमारी है वो कौन सी है फोमोपसिस ब्लाइट है अर्का भैरव ये किस है इसकी अर्भरव तो अर्भरव देखिएगा भैरव जी महाराज भैरव महाराज आपनी रक्षा करे तो बीआई नाम भैरव है तो भैरव काय के प्रति रेसिस्टेंट है फोमोप्सिस ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंट है ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो फोमोप्सिस ब्लाइट क्या है अर्का भैरव ये ध्यान रखना आपको तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इनमें से ये इंपॉर्टेंट है वैसे जिसको कह सकते हैं आपके इसका जो मुख्य डिजीज जो होता है वो कौन सा है आपका स्टेम और फ्रूट बोरर ठीक है स्टेम और फ्रूट बोरर ये ध्यान रखना आपको मुख्य डिजीज स्टेम और फ्रूट बोरर ये डिजीज है तो ये भैरव क्या है फोमोफिस ब्लाइट से रेसिस्टेंट है ये ध्यान रखना आपको मंजरी गोटा मंजरी गोटा इसी की वैरायटी है लेकिन मंजरी गोटी में एक और खास बात है बैंगन से अपन एक सब्जी बनाते हैं विशेष प्रकार की जिसको भूरता कहते हैं ठीक है जिसको भूरता कहते हैं भूरते बनाने के लिए मंजरी गोटा एक अच्छी वैरायटी है ठीक है हा भैरव पूछा अरका कर दिया क्या ठीक है अरे या भाई यार अर् नहीं पूसा कर लेना ठीक है पूसा भैर हाँ मैं बता रहा मंजरी गोटा ठीक है वैसे कोई दिक्कत नहीं भैरव इसी में एक वेराइटी मंजरी गोटा इससे बनाया जाता भूरता बैंगन की एक बहुत अच्छी सब्जी बनती है भूरता उसके लिए शूटेबल है ये ध्यान रखना आपको वही है हेली कवर जरा इसमें फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर में अगला सवाल निम्नलिकित में से कौन सी बैंगन की किस बीमारी है जो माइकोप्लाज्मा जनित है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कोज बाई माइक्रो प्लाज्मा लिटिल लिप डैम्पिंग ऑफ नेमेटोड तो कौन सा है लिटिल लिप जिसको कह सकते हैं ब्रिंजल में लिटिल लिप भी ध्यान रखना आपको ठीक है तो यहां पर बी भाई देखो बैंगन की सब्जी अब देखो स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से मैं बात करूं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हेल्थ के पर्पज से हेल्थ के पर्पज से ब्रिंजल की सब्जी बहुत बेस्ट है न्यूट्रिएंट्स भरपूर है न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जिसको कह सकते और दूसरे इंपैक्ट जैसे शुगर वगैरह है डायबिटीज वगैरह उनमें भी बहुत सी जिसको कह सकते आपके इंपॉर्टेंट है तो अब खाना चाहिए बाकी अब देखो कोई खाए नहीं खाए वो तो लोकतांत्रिक देश है अपने यहाँ पर ठीक है ठीक है लोकतांत्रिक देश है लोकतांत्रिक देश में सभी को क्या होती है छूट होती है ध्यान अरे आई है भाई भारत की राष्ट्रीय सब्जी आई है ठीक है। निम्नलिखित में से बैंगन की फसल में कौन सा एक कीट डेड हट की समस्या उत्पन्न करता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट कोज प्रॉब्लम ऑफ डेड हट इन ब्रिंजल तना और पल्छेदक हाडा बिटल लीफ होपर और सफेद मक्खी सफेद मक्खी तो जैसे क्या करती है आपके जिसको कह सकते क्या वाहक का काम करती है एग प्लांट इसे कहते हैं आपके ठीक है और विलायती बैंगन चलो ये बताओ विलायती बैंगन ठीक है लव ऑफ एप्पल ठीक है लव ऑफ एप्पल तो विलायती बैंगन टमाटर को कहते हैं ये ध्यान रखना आपको ठीक है लव ओ ये भी टमाटर को, को ही कहा जाता है ठीक है ये भी टमाटर को ही कहा जाता है टमाटर को अब यहां पर बताना है कि कौन सा डेड हर्ट उत्पन्न करता है आपको ये बताना है तो वैसे तो दिख रहा है यहां पर ठीक है भाई वैसे तो नजर आ रहा है कि स्टेम बोरर है तो स्टेम बोरर से ही क्या होगा ये आपको दिखाई देगा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाड़ा बीटल का प्रकोप या हाड़ा बीटल किट किस आपके वेजिटेबल्स में देखने को मिलता है आपसे अगर ये पूछ लिया जाए गरीब का संतरा इसे ही कहते हैं पुअर मैं एप्पल ठीक है इसे ही क्या कह देते पुअर मैं एप्पल कह देते पुअर मैं ऑरेंज ठीक है पोरमेंस ऑरेंज आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी वेजिटेबल्स ऐसी है जिसमें हार्डा बीटल हार्डा बीटल ये पूछा हुआ क्यों से नहीं ध्यान रखना आपको हार्डा बीटल अगर पूछ ले तो ध्यान रखना हार्डा बीटल ये बैंगन में आपको दिखाई देगा ये ध्यान रखना है आपको ठीक है बैंगन में हार्डा बीटल का ध्यान रखना है आपको एक तो ठीक है अगला देखो मिर्च का उत्पत्ति स्थल है द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ चिली इज दक्षिण अमेरिका अफ्रीका भारत और चीन चिली का उत्पत्ति स्थल बताना है आपको ठीक है गवर्नमेंट अप्रूव एक बार थोड़ा देखिए हर हरदयाल जी क्या पूछ रहे हैं हाँ सर डी ट्रिपल एस बी में 19 पोस्ट नर्सरी के सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अप्रूव होना बिल्कुल जैसे कोई नर्सरी है ना वो राज्य सरकार में अप्रूव होनी चाहिए राज्य और थोड़ा सा दिखाना तो आपके सवाल का हो गया हरदया जी हाँ ये माउथ रोक्सर बैंगन का कड़वाहट ग्लाइको एल्केलाइट एल्को आपके इसको कह सकते क्या है तो ये आपके एल्कोलाइड है ये ध्यान रखना एल्कोलाइड और सोलोसोडाइन उसी में आता है ठीक है बिल्कुल सही है आपका तो कहां है दक्षिण अमेरिका ये ध्यान रखना है आपको ठीक है रामचंद्र जी करवा देंगे वो डी करवा देंगे टाइम मिल जाएगा तो करवा देंगे चिंता नहीं ठीक है तो दक्षिण अमेरिका आपका सही आंसर है अमरूद पपीता बिल्कुल ठीक है ठीक है मिर्च की मुख्यतः किस माह में की जाती है इन विच मंथ मेनली प्लांटेड मुख्यतः मई जून जून जुलाई फरवरी मार्च और मार्च अप्रैल इसकी मुख्यतः ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं यह बताना है तो बरसात के समय ठीक है तो बरसात के पल्सेज में राजस्थान का स्थान तीसरा तो जून जुलाई में करेंगे इसका मतलब नर्सरी लगभग मई जून में ठीक है तो यहां पर क्या है जून जुलाई में तो मुख्य उपाय तो जून जुलाई में आपको दिखाई देगी अगला सवाल बैंगन का जड़गांठ रोग का रोग कारक कौन सा है विच इज दजेटिव एजेंट ऑफ रूट नोट तो इस पर समस्या ही नहीं है कवक फंगस नेमेटोडिया ध्यान रखना और नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं आपके गेंदे को लगाया जाता है यह ध्यान रखना आपको अगला सवाल शिमला मिर्च का वानस्पतिक नाम क्या है वाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ कैप्सिकम कैप्सिकम एनम कैप्सिकम फ्रूट सोलेनम मेल या एबलोस्कस एस्कुलेंटस। तो सरल है बता दोगे आप र्टिकल्चर इज ओवर कल्चर एग्रीकल्चर इज ओवर कल्चर ज्यादा बेटर वो है कार्बोफ्यूरान है फॉर्मेलिन है ठीक है तो देखिएगा कैप्सिकम एनम कैप्सिकम फ्रूट एंड सोलिनम मेलेजना और एबलमोस्कस एस्कुलेंटस। एबलमेकस एस्कुलेंटस सोलेनम मेलेंजना कैप्सिकम फ्रूट कैप्सिकम एनम जिसको कह सकते हैं अपन कैप्सिकम एनम कहां दिखाई देगी जो कॉमन मिर्च होती है हमारे ठीक है वो कैप्सिकम एनम में दिखाई दे देती है और कैप्सिकम फ्रूट ठीक है तो ये ध्यान रखना आपको ठीक है बिल्कुल राजेंद्र जी सही है मिर्च का सिमला मिर्च ठीक है येलो वंडर इसी में आती है येलो वंडर एक वैरायटी है येलो वंडर पीली वैरायटी आपकी पीली मिर्च है एक बात जीतू जी क्या पूछते हैं जीतू जी पूछते हैं छठ पूजा का द्वारा छह इंटू छ अब देखो इसके लिए फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एक बटा एक बटा दो इंटू आधार ऊंचाई का फिक्स निकालोगे तब तो एक लोजिंग एक क्रॉप क्रॉप बार बार और दिखाना क्या क्या है लोजिंग क्या पूछ रहे हो थोड़ा सा दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान स्थान है अनिल जी कल भी भी बताया था आज भी बता रहा हूं कि राजस्थान का दूसरा दूध से सारेक्टिव मैक्म सिलेक्टिव इसको छोड़ देना पैराक्वाडक्वाड को ठीक है तो ये हमें ध्यान रखना आपको वेक्स मिर्च में आता है तो बीस का है तो राइट आंसर बैंगन भिंडी मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है वाट काजर जी इन चिली देखिएगा मुंह जब जलता है तो सी सी की आवाज करते हैं तो सी सी से करते हैं तो सी सी क्या आएगी कैप से सीन। और लाल रंग कैप थीन तो सीन पंजेंसी सीन बना देगी आपका पंजेंसी थीन लाल रंग बैंगनी रंग सीन. तो तीखापन पूछा तो सीन ऑप्शन अच्छा है पहले ऑप्शन में कैप्सी थीन दे रखा है इसने ठीक है तो मुंह जलने पर सी सी की आवाज आती है तो सी सी से सीन ये ध्यान रखना सीन बना देगी आपका तीखापन ये ध्यान रखना आपको मिर्च की बीज दर प्रति एक्टर रखते हैं द सीड रेट ऑफ चिली पर एक्टर। देखो जब तक नहीं कहा जाए ना जब तक नहीं कहा जाए तब तक क्या बताना है तब तक तो, तो बताना है एक से डेढ़ के जी और यही सीड रेट मिर्च में यही सीड रेट गेंदा में और अगर कह दे कि साहब हमें तो ये बताओ शंकर मिर्च में कितनी होगी और आपके शिमला मिर्च की कितनी होगी तो कह देना भाई तूने पूछा हमने बताया कितनी पाव भर ठीक है कितनी होगी पाव भर ठीक है भाई कितनी बता दोगे अगर हाइब्रिड की पूछे तो पाव भर बताना है शिमला मिर्च की पूछे तो पाव भर बताना है और सीधा पूछे कि मिर्च की बताओ आप तो एक से डेढ़ के जी बतानी है देखो हाल तो का टाबर भी आपने साथ जुड़ रहा है जैसा पूछा है कि सर एग्जाम कद है क्यों भाई टाइम का दखो देना मतलब लोकतंत्र की खूबसूरती का भी मतलब अपना एक अलग ही आनंद है ठीक है लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है ये सब लोकतंत्र की ही देन है है ना कि सर एग्जाम कब है धन्य हो आ जाओ आगे मिर्च में लीफ कलर रोग किस कीट से फैलता है विच इंसेक्ट स्प्रेड लीफ कल डिजीज इन चिली एफिड थ्रिप्स सफेद मक्खी या मिली बग अब मिर्च में पूछ रहा है ये ध्यान रखना आपको लेकिन मिर्च में ध्यान रखना वो मत बताना आपके व्हाइट फ्लाई मत बताना ये ध्यान रखना आपको कोई बात नहीं भाई टाबर है ठीक है सारा ही टाबर है आपने लिए तो ठीक है देखो अब देखो अब एक विद्यार्थी की आईडी देखो थोड़ा नीचे नीचे करना भाई देखो थोड़ा और नीचे करो एक आएगा अभी ऊपर हाँ ये देखो अब देखो कुछ अपनी आईडी कैसे कैसे बना करके रखते हैं अरे भाई सत्य को स्वीकार करो जो है उसी को दिखाने की कोशिश करो देखो एक आईडी बना रखी है किसी ने शायद फोटो है फिर आगे लिख रहा है जीएल सर को ऊंदरो अब भाई ये भी कोई आईडी होती है क्या है? जी सर को अब भाई बताओ दे आईडी कोई बनाओ तो अच्छे अपने नाम से बनाओ या कोई अच्छी आईडी बनाओ जो दिखने में अच्छी लगे अब जीएल सर को ऊंदरो जो मनमर्जी ठीक है ये लोकतंत्र की तो खूबसूरती है ये और क्या है ये चलो लाइव करो तो मिर्च में लीफ कर्ल रोग किस कीट से फैलता है विच इंसेक्ट स्प्रेड लीफ कर्ल डिजीज तो देखो एफिड थ्रिप्स सफेद मक्खी यहाँ पर सफेद मक्खी मत करना ये ध्यान रखना आपको ठीक है ठीक है भाई ये ध्यान रखना आपको तो यहाँ पर क्या होता है थ्रिप्स अब भाई वो उद्रो है अगर कोई दुआई मिल गो ना अगर कोई दुआई मिल गो कोई विष्णु गो बनार मिल गो तो जान निकल जाए ध्यान आज भाई ठीक है मंजिलें बहुत हैं और अफसाने भी बहुत है मंजिलें बहुत है अफसाने भी बहुत है जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत है मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं दुनिया में खुश रहने के लिए बहाने बहुत है और आपके पास बहाना है चार फरवरी को आपके एग्जाम है ये ध्यान रखना आपको ठीक है तो मस्त होकर के पढ़ते रहे दबा करके पढ़ते रहे ये ध्यान रखना है आपको ठीक है तो आ जाओ यहां पर थ्रिप्स जिसको कह सकते इसका क्या है राइट आंसर आ जाओ आप हम चलते हैं अपनी राह में वापस ठीक है <coughs> पंजाब लाल किस में है पंजाब लाल इज वैरायटी ऑफ ठीक है प्यारे प्यारे बच्चे हैं वही ठीक है पंजाब लाल सकरकंद की है प्याज की है मिर्च की है या टमाटर की पंजाब लाल आपको बतानी है किसकी है तो ध्यान रखना टमाटर की नहीं है पंजाब लाल ठीक है पंजाब लाल टमाटर की नहीं है यह ध्यान रखना आपको पंजाब स्वीट पपीते की है ध्यान रखना पंजाब रसीला देखो कुछ वेराइटी देखो आपके एक तो पंजाब लाल हो गई एक पंजाब रसीला हो गई ठीक है एक पंजाब लालिमा हो गई कोशिश करूंगा एक बार ये डाउट सॉलीज में करवाऊ है ना पंजाब लाल पंजाब रसीला पंजाब लालिमा पंजाब स्वीट ठीक है पंजाब स्वीट तो यहां पंजाब लाल जो है वो मिर्च की है ध्यान रखना आपको ठीक है पंजाब जो लाल वेरायटी वो किसकी है मिर्च की ये ध्यान रखना आपको ठीक है मिर्च की एक पंजाब रसीला लिखा दिया मैंने यहां पर ठीक है तो पंजाब लाल तो मिर्च की है पंजाब रसीला आपके इसकी खरबूजे की है पंजाब लालिमा टमाटर की दिख जाएगी पंजाब स्वीट आपके किसकी है ये आपके इसमें फ्रूट्स में जो पपीता ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना अपन करवाएंगे एक बार देखेंगे वैरायटीज को बिल्कुल भाई करवा स राहुल जी ही मिल रहा है सुबह जी सो सु, ठीक है हम साथ में ही थे अभी दो तीन दिन पहले एक दिन ठीक है का राइट है निम्नलिखित में से शिमला मिर्च की किस्म नहीं है गोल्डन क्वीन पूसा सदाबर और कैलिफोर्निया इनमें से शिमला मिर्च की वैरायटी नहीं है पंजाब छुआरा पंजाब सुर्क टमाटर में ठीक है पंजाब छुआरा और पंजाब सुर्ख टमाटर में पंजाब छोरा टमाटर में मिर्च में पंजाब आपके लाल उसके पाउडर में काम में आती है जो आप कह रहे हो सुमन आ जाओ यहां पर तो रूबी किंग शिमला मिर्च की है गोल्डन क्वीन पूसा सदाबार तो पूसा सदाबार क्या तीखी मिर्च की है ये ध्यान रखना आपको ठीक है पूसा सदाबार क्या तीखी मिर्च की है यह ध्यान रखना आपको पूसा सदाबार टमाटर में भी है पूसा सदाबार मिर्च में भी है पूसा सदाबार गवार में भी है ध्यान रखना आपको ठीक है मिर्च की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस पोषक तत्व का प्रयोग किया जाता है विच न्यूट्रेंट इज यूज टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ चिली यूरिया एस एस पी पोटेशियम सल्फेट और डीएपी क्वालिटी बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो पोटास का प्रयोग करते हैं ठीक है पोटेशियम सल्फेट ये ध्यान रखना सी का राइट आंसर मिर्च में फल बनते समय उचित तापमान होना चाहिए फ्लोवरिंग के समय फ्रूट बनते समय क्या तापमान होना चाहिए देखो अब क्या है अपने पास समय कम है तो कई बार जैसे क्या होगा थोड़ा सा स्पीड रहेगी अपनी तो इस चीज का भी ध्यान रखना जैसे पहले अपन 25 क्वेश्चन के आसपास 20 25 ही करते थे कभी कभी 15 ही हो पाते थे क्योंकि समय था तो अब देखिएगा अपन लगभग दो क्लासों का क्वेश्चन एक बार में ही कर लिया है तो जैसे अब आपके कल कंप्लीट कर लेंगे अपन है ना इनके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और रह गए वो और करवा दूंगा है ना तो कल हमारा टमाटर ये टमाटर मिर्च और बैंगन तीनों हो जाएंगे ये ध्यान रखना आपको तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा स्पीड हो सकती है तो आप ये मत करना सर एक्सप्लेनेशन वगैरह क्योंकि अब है। है तो अच्छा तो को कोशिश करें क्योंकि एक घंटे की एक क्लास आपके 40-45 क्वेश्चन जो है सोल्व करवाती है तो मेरे ख्याल से 40-45 क्वेश्चन आप अकेले बैठ करके नहीं कर पाते और इतने विद्यार्थियों में आप अपने आप को क्या करते हैं ये भी देख लेते कि मैं अपने आप में कहा हूं और देखिएगा मजाक की अपनी अपनी एक अलग चीजें हैं अलग अलग बातें हैं लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको माइंड जो अगर इस यूट्यूब पर आ रहा है उत्कर्ष के इस चैनल पर आ रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी पढ़ने के लिए आ रहे हैं और आपको इसीलिए आना चाहिए क्योंकि टाइम इज प्रीसियस समय बहुत कीमती है कहा जाता है कि समय ने जिसको समझा है समय ने उसे बहुत प्यार से समझा है और जिसने समय को नहीं समझा समय ने उसे कभी समझने का समय ही नहीं दिया तो उम्मीद रखिएगा विश्वास रखिएगा हम आपके विश्वास पर आपके इस प्रेम और प्यार पर आपके इस लगाव पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को आज के सेशन की राम राम जय हिंद जय भारत बेस्ट ऑफ लक